ऐसी प्रतिकूलता दी गई कि वो शरणागति बन गई, नहीं तो शायद न बनती। एक होती वाणी से शरणागति कहना और एक होता शरणागति वास्तविक हो जाना। मोको ठोर ना और कहो, बचपन से तो कोई थोड़ा राग था तो वो ऑपरेशन हो कोई था नहीं, पास में कोई पानी देने वाला नहीं, जहां रह रहे थे वहां से निकाल दिए गए कि किडनी खराब है, आगे बढ़ेगी किडनी की खराबी तो लाखों रुपया कौन लगाएगा बाबा जी पर, लाख कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, विश्वास कर लो माइक से। इसीलिए बार बार कहते कि तुम्हें अगर लग रहा हो कि तुम्हारी भैया और भाभी और मौसी और जीजा तुम्हें प्यार करते तो भूल जाना, कोई नहीं कर रहा। जब ये सबने जान लिया कि ये तो बाबा जी किसी काम का नहीं तो कोई देखने नहीं आने लगे, कोई नहीं, 200 वर्ष से बाबा जी तो कोई नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं, जहां रह रहे थे वहां से निकाल दिए गए। अब बोलो एक रुपया नहीं, कोई ठौर नहीं, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं, कोई प्रेम से बोलने जब उनके पास खड़े हो तो पीठ कर लेते हैं, ये सब सब मिटिया मेट हो गए। अब लगा कि असलियत से हुआ कि लाडली अब आपकी सेवा को, ये जो आप देख रहे हो ना ये केवल गो देखा है। तब क्या हुआ, बचा खुचा अहंकार था, ये जो आप देख रहे हो ना ये केवल गोरे चरण अरविंद का प्रताप है, मांगने से भी कोई 100 रुपया नहीं देता, आप ये मत समझो, यहां किसी से कभी कहा नहीं जाता। इस शरीर का जब ये रोग बढ़ा, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बात आई तो 250 रुपया उस समय लगते थे, एक संत ले गए एक संत के पास ही, बोले संत सेवा करते हैं आपके अल्ट्रासाउंड के लिए 250 रुपया दे देंगे। गए तुम, जैसे किसी मुजरिम से बात की जाती है ना, कोई ऑफिसर बात करता है, आ दिखाइए कागज दिखाइए, कहा कैसे, सही में खराब है, सही में अल्ट्रासाउंड कराना है, रहने दीजिए। वो संत थे, उन्होंने कहा वैष्णव है संत है, कोई धोखे के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम आपके पास आए तो आप कह रहे हैं तो हम कह रहे दीजिए रख लीजिए। फिर बलराम ने कराया तो बलराम जजवा सब देखा है, यही देखा है, ये जो आप देख रहे हो ना ये केवल स्वामिनी के महल की कृपा है, स्वामिनी के महल की, उनकी मौज आ गई वो ऐसे। अगर ठौर कहीं है तो भागना पड़ता, जानते हो मन ने क्या निश्चय किया, अंबर।